बहुत लेट हो गया, लेकिन जो सोचा था जो मंगलवार के दिन करना मेरा नियत है वो मैंने किया। इंटरवल ट्रेनिंग गति थोड़ी कम हो गई, लेकिन दो बार 1200 और चार बार 800 मीटर दौड़ना था वो मैंने पूरा किया। और अंतिम 800 मीटर दौड़ते हुए ख्याल आया कि आप लोगों से आज एक ऐसी विषय पर चर्चा करूंगा जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। बहुत मतलब राहत मिलनी तय है, और वो विषय है कि मन में आने वाली बातें। ऐसा कई बार हुआ होगा, और इसके आप स्वयं आपके अलावा कोई और साक्षी नहीं है, ये आपके अलावा कोई और नहीं जानता, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपके मन में ऐसी बातें आई होंगी जो अगर आप किसी को बता दो तो, यानी कि कोई आपका जो सम्मान करता होगा जीवन में, वो आपको इतने तिरस्कार भरी नज़रों से देखेगा, बोलेगा इतना घिनौना व्यक्ति है ये, ऐसी बातें सोच ली इसने, बताओ हैं, भाई की हत्या करके प्रॉपर्टी पर कब्जा, बाप रे बाप, इतना जलील आदमी है, इतना गलील आदमी है। ऐसी मतलब कितनी बातें, याद रखिए हो सकता है आत्महत्या करने की भी बात आई हो मन में। तो क्या है, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कितने 60,000 विचार मन में आते हैं, तो विचार जो है तरंगे हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने बिलियन लोग इस दुनिया में भरे हुए, खरब हैं, इतने लोग भरे हुए हैं, सबके सबके दिमाग एक्टिव हैं, विचार तरंगे सबकी उड़ रही हैं। तो आप जैसे रेडियो का एंटीना शॉर्ट वेव मीडियम वेव जो रेडियो पकड़ता है, जैसे रेडियो पकड़ता है, ऐसे ही बहुत सारे वेव्स जो हैं आपके माइंड की वेव्स के हिसाब से के आसपास फ्रिक्वेंसी वाले जब आपके आसपास से गुजरते तो आपका दिमाग पकड़ लेता है। तो उनमें जब बहुत ही ख़राब किस्म के विचार होते हैं तो वे आपके दिमाग से टकरा के आपके दिमाग में आ जाते हैं, यू नो, आपका दिमाग एंटीना कैच कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसी बातें दिमाग में आती हैं तो बहुत सारे इतने सीधे, इतने नैतिक और इतने मोरल किस्म के, मतलब आई मीन धर्म के सिद्धांतों पर, धर्म की राह पर चलने वाले लोग हैं, उनके बात में भी दिमाग ऐसी बातें आती तो वो परेशान हो जाते हैं, आत्मग्लानी, यू नो, कि मर जाते हैं कि यार ये ऐसा मैंने सोच कैसे लिया, करना तो अच्छा जीवन में वो कभी कर ही नहीं सकते, करेंगे भी नहीं, लेकिन बात मन में आ गई, ओह अब क्या करें, वो आत्मग्लानी से आधे सूख जाते हैं कि मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे विचार आते हैं तो उससे आप ख़राब नहीं हो जाते। जब तक जिस कर्म को आप नहीं करोगे तब तक उस कर्म के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। तो अपने को ऐसे ग्लानी बोझ से बाहर निकालो, और ऐसे जब विचार आते हैं तो आके वो चले जाएंगे, उसमें आपका कोई अपराध बोध, आपका कोई अपराध नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर क्षण प्रसन्न अवस्था में रहें, आनंद में रहें। जब आप प्रसन्न रहेंगे तभी शरीर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सब करने काम करने के सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। तो स्वयं को पनिशमेंट ना दें, आपको शायद पता नहीं चलता कि जब आप आत्मग्लानी से भरे होते हैं तो शरीर को कितनी मुश्किल होती है काम करने में, वो कितना अस्वस्थ हो जाता है। तो खुश रहें, जब आप खुश रहेंगे तभी आप बाकी लोगों को भी खुशी बांटेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिलहाल आज के लिए कैसा भी विचार आए, कितना भी गंदा, कितना भी उसको आएगा, जाने दें उसको, और उसको लेके आत्मग्लानी से ना भरें, राइट। अब बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी और बातें होंगी। हैव अ नाइस डे।